तो बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों ही हमारे हिसाब से ही ट्रेड किया आज, लेकिन हमें कोई भी अच्छा खासा ट्रेड नहीं मिला। बिकॉज हमारे हिसाब से तो ट्रेड किया, लेकिन जो सेटअप हमारा एक्टिवेट होने वाला था वो कभी एक्टिवेट ही नहीं हुआ। मैं दिखाऊंगा कहाँ पे क्यों ट्रेड नहीं बना। तो एक बोरिंग एक्सपायरी हम मान सकते हैं, क्योंकि मेरा आज कोई भी ट्रेड नहीं हुआ और मैं सारा दिन बैठा रहा, मैं सोता रहा मार्केट देखते देखते। मतलब इतना इतना बोरिंग सा मार्केट था आज। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है तो इट्स ओके, क्योंकि आज का मार्केट बहुत चॉपी मार्केट था। जो कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो साइडवेज हो सकता है, तो वही हुआ मार्केट पे। तीनों इंडेक्स सेम टू सेम जगह पे ही था। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर बना था, तो अगर कोई वहां पे ट्रेड लिया होगा तो अलग बात है, लेकिन बाकी जो भी इंडेक्स का जो एक डायरेक्शनल और एक अच्छा खासा व्यूज वगैरह का एक ट्रेड बनता है वो कोई भी आज नहीं बना है। तो इस तरह का दिनों में कोई भी दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। लॉसेस हुआ है तो थोड़ा दिक्कत की बात है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके आपको शायद फोमो हो रहा है, इसलिए आप जल्दबाजी में ले रहे हैं, इसलिए आपको लॉस हुआ है। लेकिन आज अगर आपका लॉस नहीं हुआ है तो आप डिसिप्लिन के हिसाब से और आप इन द गुड ट्रैक है, ठीक है। ओके, देखिए फिर निफ्टी देखिए। हमारा प्लान यही था कि ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक रहेगा, क्रॉस करेगा, हम बाई करेंगे। हुआ नहीं, ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़ा, अब प्राइस एक्शन बना के नीचे तोड़ेगा, हम सेल करेंगे। नीचे भी नहीं तोड़ा तो अब साइडवेज हो चुका है। तो सिंपल सा है, लास्ट हाई के ऊपर निकलेगा बाई, लास्ट लो के नीचे निकलेगा सेल। ये फिन निफ्टी का है, लेकिन हम फिन निफ्टी में देखेंगे नहीं, क्योंकि फ्राइडे होने वाला, माफ कीजिए, वेडनेसडे होने वाला है कल। तो कल हो सकता है इसमें लिक्विडिटी थोड़ा सा कम रहे, तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी से चालू करते हैं। निफ्टी में भी सेम टू सेम सिनेरियो था। मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा आप ये मान के चल सकते हैं, ये मान के चल सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि निफ्टी एक शार्प अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अप ट्रेंड मतलब डेली इंट्राडे में शार्प अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो ब्रेक करेगा, फिर प्राइस एक्शन बनाएगा, हम वहां पे सेल करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे हम, ये ब्रेक किया लेकिन प्राइस एक्शन कभी फॉलो थ्रू पे नहीं आया, तो हमें वहां पे सेलिंग का सिग्नल कहीं पे नहीं मिला। अब आपके मन में ये हो सकता है, क्या ये प्राइस एक्शन है? देखिए, इतना छोटे को आप अगर पकड़ लेंगे ना तो आपको मुश्किल हो जाएगा, आप फिर वहां पे ट्रेड नहीं ले पाएंगे, और लेंगे भी तो आपको फिर ऊपर में सेल करना पड़ेगा। इतने छोटे में अगर आप फॉलो थ्रू में लेंगे तो आपका एसएल मैक्सिमम टाइम में हिट होगा, और अगर इतना छोटे में आपको प्राइस एक्शन पकड़ना है तो आपको एसएमसी का टॉपिक सीखना ही पड़ेगा। आप फिर नॉर्मल प्राइस एक्शन के ऊपर बेस करके नहीं कर सकते कि ये प्राइस एक्शन हो गया है, यहाँ पे सेल, यहाँ का एसएल, तो आपका एसएल हिट होगा। फिर आपको एसएमसी में जाना पड़ेगा, लास्ट पीओआई के हिसाब से आपको सेल करना पड़ेगा, लास्ट पीओआई के थोड़ा ऊपर एसएल लगा के फिर नेक्स्ट मिटिगेशन जोन तक आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा। तो बहुत थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है जो आपको एक घंटे या आधे घंटे में सिखाया नहीं जा सकता, जिसके लिए मेरा कोर्स आ रहा है, 15 अगस्त के आसपास ही आ जाएगा, जहां पे मैं ये सारे चीज डिस्कस करूंगा, ताकि कोई भी चीज, मतलब इसे अगर आप वो चीज को मास्टरी कर लेंगे जो इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन होता है, तो आप आग बंद करके कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, आग बंद करके कोई भी डेट उठा लीजिए, कोई भी फलाना ढमकाना कुछ भी उठा लीजिए, उस डेट पे जाएंगे, उस स्टॉक पे जाएंगे, कुछ भी टाइम फ्रेम में जाएंगे, आपके पास जैसे चार्ट आएगा, आप चार्ट को इंटरप्रेट करेंगे, उसके बाद आप एक बोलेंगे यहाँ पे होगा, ऐसा ऐसा होगा, 10 में से 8 बार आप सही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच में आपको मार्केट के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। ओके, बात की बात बात में, अभी इतना लेक्चरबाजी नहीं। तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं कि कल यानी कि 2 अगस्त को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। पहले निफ्टी से बात कर लेते। सिंपल सा है, निफ्टी इसके नीचे निकलेगा, वी आर गोइंग टू सेल। अब इसके हिसाब से, इसके ऊपर वी आर हिसाब से बाई बनता है, लेकिन हम इसके ऊपर बाई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नजदीकी अपना हमारा वो 860 से 800 वाला जोन है, जो कि एक अच्छा खासा प्रेशर लेवल जोन हो सकता है। तो हो सकता है यहाँ से घूम जाए, हो सकता है यहाँ से घूम जाए, हो सकता है यहाँ से घूम जाए। तो हम इसके ऊपर जैसे निकलेंगे, हम वहां पे बाई नहीं करेंगे, जो कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में पॉसिबल है। निफ्टी में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है वो, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होगा, हम पहले नीचे के साइड का देख लेते हैं। फ्लैट ओपन होगा, नीचे आएगा निफ्टी, जैसे ही मान लीजिए इसके नीचे, इसके आप अगर थोड़ा सा एडवांस टॉपिक को और पकड़ेंगे तो 710 के नीचे एक कैंडल क्लोज होना चाहिए। 19710 के नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाएगा, हम वहां पे निफ्टी को सेल कर देंगे, ठीक है। 19710 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाएगा। यार 4 बजे कौन पूजा देता है, आई डोंट नो। 19710 के नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाएगा निफ्टी में 15 मिनट का, हम वहां पे सेल कर देंगे निफ्टी को। यहाँ का लास्ट स्विंग का एसएल दे देंगे, हमारा टारगेट कहीं ना कहीं हम 600 तक का आराम से एक बार रख सकते हैं, कि ये सारे जोन को वो फिर वॉइड करके नीचे आके ये सारे जोन तक एक बार आ सकता है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का नीचे का। इनकेस फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, वेट करेंगे।
इसको तोड़ते ही हमारा बाई बनता था, लेकिन हम वहां पे बाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि सामने जोन है। तो अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है, बहुत एग्रेसिव, डिफेंसिव या बैलेंसिव के लिए ये ट्रेड है ही नहीं, अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो ये वाला ट्रेंड लाइन को आप एक बार फॉलो कर सकते हैं। बिगिनर्स अवॉइड कीजिए, आप वोलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाएंगे, शायद ऐसा हो जाएगा कि एक झटके में गया फिर गिर गया। तो इससे बेटर है जो कि प्रोफेशनल्स है, जो कि पीछे पहले मान लीजिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर है आप लोग, आपके पास प्रॉफिट है, तो उसका कुछ रिस्क आप यहाँ पे ले सकते हैं। कैसे लेंगे, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे निकलेगा सेल कर बाई कर देंगे, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग का भी वेट मत कीजिए क्योंकि जोन नजदीकी नजदीकी है ना, तो मान लीजिए कैंडल क्लोजिंग का वेट किया आपने, देखा यहाँ पे जाकर कैंडल क्लोज हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक और बचा ही किया है, तो इससे बेटर है जो रिस्क लेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर रिस्क लेंगे। अगर फ्लैट ओपन हुआ और 710 को रेस्पेक्ट किया, अगर 710 को रेस्पेक्ट ना करता हुआ, मान लीजिए 710 को तोड़ दिया, फिर 710 से कैंडल क्लोज नहीं हुआ, फिर आके ऐसे ऐसे कर रहा है, फिर जा रहा है, तो वहां पे दिक्कत आ सकता है। फिर क्या हो गया ना, ये लो को इसने रेस्पेक्ट नहीं किया, तो हो सकता है ट्रेंड लाइन को ये फिर से नीचे आके गिर तोड़ दे। तो इससे बेटर है कि हम प्राइस एक्शन के ऊपर बेस करके चलेंगे। 710 को अगर रेस्पेक्ट कर देगा, अगर 710 को इसके नीचे निकला नहीं और फिर यहाँ पे घूमता रहा, घूमता हुआ जैसे ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा, आप वहां पे एक बार बाई कर लीजिए, या फिर अगर आप एक मिक्स अप्रोच पे जाना चाहते हैं तो 5 मिनट का कैंडल देख लीजिए, एक 5 मिनट का कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर देगा तो वहां पे जाके बाई कर लीजिए, ठीक है। ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं कल, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब। ओके, बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाएगा ये सारे जोन के आसपास, मैं देखना पसंद करूंगा, कोई शूटिंग स्टार बन जाएगा उसके नीचे मैं सेल कर दूंगा जैसे निकलेगा। कोई मान लीजिए रेंज बना दिया इस तरह का, 2 कैंडल का इनसाइड कैंडल वाला हमारा सेटअप आ गया और फिर तोड़ रहा है, तो मैं सेल करना पसंद करूंगा। अगर अपर रेंज के आसपास से जाके कोई 15 मिनट वाला मेरा सेटअप एक्टिवेट होता है, जो 15 मिनट का कैंडल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो वाला चीज आता है तो मैं वहां पे एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा। अगर कुछ नहीं आता है, मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ, कुछ भी दिखा नहीं, इस तरह से आया फिर ऊपर गया फिर आया, तो यहाँ पे एक एम पैटर्न आ गया है, तो यहाँ पे मैं सेल करना पसंद करूंगा। मतलब यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए एकदम एकदम आंख खुला रख के मैं रेडी रहूंगा। अच्छा, कब मैं सेलिंग के लिए बारे में और सोचूंगा नहीं, अगर मार्केट यहाँ पे ऐसे खुला, नीचे आया फिर गया और ये हाई को तोड़ दिया, मतलब एक प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं ऊपर बिल्ड कर दिया, तो मैं और सेलिंग के बारे में सोचूंगा नहीं, तो फिर मैं डिप में बाई करना पसंद करूंगा, ठीक है। ये हो गया गैप अप का निफ्टी में। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, मार्केट को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट, ये सारे एक सप्लाई एरिया, डिमांड एरिया है, एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, गैप ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत वॉलेटाइल एक्ट कर सकता है। तो गैप ओपन बहुत गैप माफ कीजिए गैप डाउन पे, तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद हैमर कैंडल मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप पे हम एक बार बाई कर सकते हैं गैप फिलिंग के लिए, और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो हमें फिर फ्रेशली कुछ देखना पड़ेगा मार्केट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। होपफुली गैप डाउन ओपन नहीं होगा क्योंकि मार्केट में अभी भी कोई उस तरह का हड़बड़ी नहीं है, अभी बहुत स्लो एंड स्टडी मार्केट ट्राई करेगा ये वाला जोन तक एक बार जाने के लिए। तो कल अगर मान लीजिए 710 को रेस्पेक्ट करता हुआ मार्केट ट्रेंड लाइन को तोड़े तो एक बार वहां पे आराम से बाई कर सकते हैं, ये सारे जोन तक हमारा टारगेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट का जो फ्रेश गिरावट होने के चांसेस है ना, वो यहाँ से बेटर लग रहे हैं एज कम्पेयर टू यहाँ से, क्योंकि यहाँ से गिरेगा तो हो सकता है यहाँ तक आए फिर ऊपर जाए, तो उससे बेटर है मार्केट अगर यहाँ से गिर जाएगा तो बेटर है। अब हम ये प्रोबेबिलिटीज आपको बता रहे हैं, मैं ये प्रोबेबिलिटीज आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई वर्डिक्ट दे रहा हूँ कि ऐसा ही होने वाला है, बिकॉज ये मार्केट है बॉस, यहाँ पे 50-50 चांसेस रैंडमनेस के ऊपर सब कुछ बेस करता है। आज का एम पैटर्न कल का एन पैटर्न बन जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि 10 दिन इसी जोन पे एम बना है, आपको लगेगा कि आज भी एम बनेगा लेकिन वो एम ना बनता हुआ ऊपर चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे। इसीलिए मार्केट का रैंडमनेस से हम बचने के लिए एसएल देते हैं और प्रोबेबिलिटीज के ऊपर ट्रेड करते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब बैंक निफ्टी के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आई एम सो टायर्ड फॉर दैट, आई एम सो सॉरी कि मेरा वॉइस थोड़ा सा लो है, क्योंकि मैं वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, तो पिछले 3-4 लगभग 4-5 दिन से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ, ठीक से ट्रेड नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं वीडियोज बना रहा हूँ, वो पूरे कोर्स के ऊपर, मतलब इतना सारा चीजें है आप लोगों को बताने के लिए, यूट्यूब पे मैं कभी बोल के खत्म नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पे पूरा बना रहा हूँ ताकि एक बार आप देखेंगे, दो बार आप देखेंगे, आप बस देखते ही रहेंगे, आपको और कुछ मतलब कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सारा आंसर्स वहाँ पे एक एक वीडियो में बना रहा हूँ। तो आई एम वेरी सॉरी कि अगर मेरा वॉइस थोड़ा सा लो है, पिच थोड़ा सा लो है। ओके, अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या बोल रहे हैं हमें। ओके, लेट्स सी व्हाट बैंक निफ्टी इज टेलिंग अस। पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम का कैंडल देख लेते हैं, उस तरह का मुझे कैंडल कुछ दिख नहीं रहा है, निफ्टी में भी डेली टाइम फ्रेम में नॉर्मल सा कैंडल है, बैंक निफ्टी में भी है, ठीक है। वो आवर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी का हमारा जो जायस लेवल है
सेलिंग के लिए, वो ये सारे जोन आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा पहला जोन था यहाँ से, यहाँ से अगर सेलिंग आता है कि ये जोन से अगर सेलिंग आता है तो बैंक निफ्टी में पैनिकनेस शो हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या किया, ऐसे आया ऐसे आया। तो जब तक आप इसके नीचे नहीं निकलेगा तब तक एक पैनिकनेस शो नहीं होगा, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम ये सारे जोन तक, ये वाले जोन तक जाने के लिए बैंक निफ्टी में रेडी रहेंगे कि बैंक निफ्टी जा सकता है। तो इसको हम पहले आप यहाँ पे दे देते हैं क्योंकि आज का ये हाई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंट्राडे का एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ओके, अब 1 आवर में उस तरह से कुछ नहीं है, 15 मिनट पे चले जाते हैं। सेम टू सेम बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन को देखिए, ट्रेंड लाइन के नीचे चला गया, बैंक निफ्टी में ट्रेंड एक साइडवेज हो गया है, साइडवेज टू बेयरिश हो गया है, थोड़ा बहुत नीचे गया। हाँ, आप यहाँ पे एक छोटा सा प्राइस एक्शन देख सकते हैं आप, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो शायद आप ये प्राइस एक्शन पे ट्रेड ले लेंगे, लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगा आपका, रिस्क रिवार्ड ठीक नहीं आएगा। और मैं हमेशा आप लोगों के साथ कहता हूँ कि भले ही आपके पास 999% वाला सेटअप आ जाए कि आप पिछले 4 साल से उस सेटअप पे प्रॉफिटेबल है, लेकिन नेक्स्ट बार अगर उस सेटअप का रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से कम आ रहा है, एटलीस्ट 1:1.5 से 1:1 से कम आ रहा है, तो भी उस सेटअप पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि मैंने क्या बताया, मार्केट रैंडम है, तो 999 बार आपने जीता इसका मतलब ये नहीं कि आप 1000 बार भी आप जीतेंगे, लेकिन हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, हमारा रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:1 होना चाहिए। हाँ, आप प्रोफेशनल लेवल पे चले गए, आपके पास करोड़ों रुपए है, तो आप आपके रूल्स के साथ बेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है रूल्स आर ऑलवेज मेंट टू बी ब्रोकन, बट एट आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अर्निंग मनी। ऐसा नहीं आप केवल मार्केट पे आए, 1.5 साल दिए और यू स्टार्ट टू ब्रेक द रूल्स, देन इट विल बी वेरी मच नेगेटिव, इट विल ब्रिंग वेरी मच नेगेटिव रिजल्ट्स ऑन योर ट्रेडिंग करियर। तो इससे बेटर है हम रूल्स के साथ रहेंगे एट द सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, उसके बाद हम देखेंगे रूल्स को ब्रेक किया जा सकता है कि नहीं। तो ये छोटा सा जो प्राइस एक्शन आता है, इसमें सामने नजदीकी सपोर्ट था और ये बहुत नीचे से आ रहा था, इसीलिए हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं देख रहे थे। ठीक है, एग्रेसिव ट्रेडर्स 5 मिनट का चार्ट अगर कोई फॉलो करता है, यहाँ पे चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। एग्रेसिव ट्रेडर्स अगर ट्रेड लेते भी है, प्रॉफिट भी करते हैं, लेकिन यहाँ का जिनका माइंडसेट वीक होता है वो क्या प्रॉब्लम में फंसते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे हम चले जाएंगे। 5 मिनट के चार्ट पे आज मार्केट क्या था, आज मार्केट बहुत शांत था, आज मार्केट पे हल्ला हुल्ला नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं हुआ, बहुत शांतली चला है मार्केट का भी मूड होता है। तो आज मार्केट ने क्या किया, ये ट्रेंड लाइन 5 मिनट का चार्ट पे रिटेल ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचा है, वेरी गुड, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किया है, उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया, इसके थोड़ा ऊपर सेल लगा दिया, मार्केट ने क्या किया, स्लो एंड स्टेडी नीचे आ गया। अब यहाँ से यहाँ पे अच्छा पॉइंट मिल गया उनको, लगभग 170 पॉइंट मिल गया, ऑप्शन का प्राइस उनका लगभग 80 पॉइंट बढ़ गया, एक लॉट पे 2000 माफ कीजिएगा, अभी तो 15 का लॉट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक लॉट पे 1200-1300 रुपये मिल गया है, तो 1100 रुपए मिल गया, जो लोग 10-12 लॉट से करते हैं, जो भी डिटेल है, तो यहाँ पे एक मूवमेंट पकड़ के वो बहुत खुश है, बिकॉज उनको लग रहा है अभी वी गॉट द एज, ट्रेंड लाइन इज द बेस्ट, ट्रेंड लाइन के ऊपर कुछ नहीं है, ट्रेंड लाइन को जैसे कैंडल क्लोज करेगा ट्रेंड लाइन के नीचे, हम वहां पे शॉर्ट करेंगे 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है ना, कल के दिन में मार्केट अगर शांत की जगह पे थोड़ा सा धार दे, तो ये सारे वल्नरेबिलिटी में हिट हो जाएंगे इनका एसएल, क्योंकि ये कोई प्रॉपर सेटअप है नहीं, और मार्केट का ये नेचर, अगर आपको हर दिन वो लॉसेस देगा तो व्हाई वुड यू स्टे इन द मार्केट, आप मार्केट के साथ और रहेंगे नहीं, इसीलिए 10 में से 2-3 दिन आपको भेंट दिया जाता है इस तरह का सेटअप, जो कि नॉन सेटअप वाला ट्रेड्स होते कि लो जी लो अपनी जिंदगी, ऐश करो मित्रों, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, तो वहां पे 1-2 दिन उनको प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद 6 दिन वो लॉसेस करता है, सारा पैसा पॉकेट से भी जाके देता है, नया सेटअप ढूंढने के लिए रेडी हो जाता है। दिस इज द विशियस साइकिल माय फ्रेंड, कि ये घूमता ही रहता है, इसीलिए हमें ट्रेड नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत सेटअप पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, ओके, अब बहुत हो गया लेक्चरबाजी, अब देख लेते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी में हम कहां से ट्रेड कर सकते हैं। कल सिंपल सा है, बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा बाई, इसके नीचे निकलेगा सेल, बाई में ये फर्स्ट टारगेट, सेल में ये फर्स्ट टारगेट, ये वाला जोन तक। इससे सिंपलिस्टिक वे में हम कुछ कह नहीं सकते, और अभी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, मार्केट अभी बहुत स्टेबल है, तो आपको ट्रेड लेके बैठ ही रह सकते हैं, ऐसे नहीं ट्रेड लिया अरे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कल अगर मार्केट ये वाला इसके ऊपर निकल जाएगा, जो कि हो जाएगा 630 के ऊपर, 632 के ऊपर, तो हम वहाँ पे एक सेकेंड में मार्क कर देता हूँ, 45,632, तो हम वहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी को बाई करेंगे, और बैंक निफ्टी अगर कल मान के चल सकते हैं आप 45,000
480 इसके नीचे निकलेगा तो हम वहां पे जाके एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे सिंपल नहीं होगा, 632 के ऊपर निकलेगा फर्स्ट टारगेट ये वाला जोन का। ये वाला जोन का क्यों है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला जोन पे इक्वल हाईज है, तो आप ये जोन के सामने जैसे जाएगा आप रेडी रह जाइए अपने प्रॉफिट को एक बार लॉक करने के लिए, ठीक है। आपके प्रॉफिट को एक बार 120 130 पॉइंट के बाद एक बार प्रॉफिट को लॉक करने के लिए रेडी हो जाइए। हो सकता है फ्लैट ओपन हुआ यहाँ से थोड़ा नीचे आके इनका एक बार लिक्विडिटी ग्रैब किया उसके बाद गिर गया, पॉसिबिलिटीज हो सकता है, उसके बाद साइडवेज हो गया। तो आपको पहले अगर मोमेंटम वाला ट्रेड मिलेगा, पहले मोमेंटम वाला ट्रेड अगर मिलता है, मान लीजिए 9:15 को मार्केट खुला और 9:20 को आपको ये सारे जोन क्रॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो मतलब क्या है ऑप्शन का प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ेगा, मोमेंटम में आपको एक ट्रेड मिलेगा तो आप वहां पे एंट्री कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे एसएल लगा दीजिए। ये वाला जोन का 1:1 का ही टारगेट आएगा, आई नो अपसाइड में, तो ये वाला जोन तक रेडी रहिए। जैसे ये जोन के आसपास जाएगा अगर फ्लो में थोड़ा सा निकल दे वहाँ पे आधा क्वांटिटी या फिर 75% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी अगर मार्केट कोई रेंज बना के ऊपर तोड़ता है तो आप वहाँ पे बाकी 25% को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। वरना अगर यहाँ से हो सकता है यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मार्केट फिर साइडवेज हो गया और फिर ये जगह को रिटेस्ट करने के लिए आ गया तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, पूरा ड्रॉडाउन हो जाएगा। इससे बेटर है आप 75% प्रॉफिट ये वाले जोन के सामने जैसे ही जाएगा मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे 15 मिनट का, यहाँ पे एक बार बुक करने की कोशिश करेंगे। सबसे बेस्ट रहेगा कि ये जो स्पाइक लगाया है इसके ऊपर जैसे मारेगा आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मोमेंटम में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। एक्सक्यूज मी, अच्छा अब हो गया फ्लैट ओपन होके ऊपर का, अब हो गया फ्लैट ओपन होके नीचे आया 45,480 के नीचे एक कैंडल 15 मिनट का क्लोज करने दीजिए। जैसे कैंडल 15 मिनट का क्लोज कर देगा आप वहां पे शॉर्ट कर दीजिए। 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग का क्यों चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मार्केट का लोज जो है ना थोड़ा 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 करके अपशिफ्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके अपशिफ्ट हुआ है, तो एक कैंडल क्लोजिंग हमारे लिए बेटर कन्फर्मेशन के हिसाब से काम करेगा। आप तुरंत जाते ही शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन वही मैं आपको बोल रहा था ना कि मार्केट में अभी भी हड़बड़ी नहीं है। हड़बड़ी का सिचुएशन होता कि मान लीजिए मार्केट ऐसा हुआ है तो तुरंत जाते ही शॉर्ट कर दीजिए, लेकिन अभी क्या हुआ है मार्केट में हड़बड़ी का कोई भी सिचुएशन नहीं है, कोई भी धीरे स्टेबल है मार्केट, तो एक कैंडल क्लोज करेगा, क्लोज करके जैसे नीचे निकलेगा वी आर गोइंग टू शॉर्ट रिहाई का एसएल 230 के आसपास, मतलब इस बार 1:2 के आसपास का टारगेट हमें इसीलिए मिल सकता है, ठीक है। ओके ठीक है, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है कहाँ पे गैप अप ओपन होगा, ये सारे जोन के आसपास थोड़ा सा देखना पसंद करूँगा मैं क्या कर रहा है मार्केट। गैप अप ओपन होने के बाद ये जोन के आसपास जाके कोई रेंज या प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा तो मैं वहाँ पे एक बार बाई करना पसंद करूंगा ये जोन तक का टारगेट के लिए। मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ मार्केट 720-730 के आसपास, एक 15 मिनट का कैंडल कुछ इस तरह का बनाया, ठीक है, नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल कुछ इस तरह का बनाया, नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल एक इनसाइड कैंडल बनाने का उसका तोड़ रहा है, मतलब लास्ट कैंडल का हाइस को तोड़ रहा है, एक इनसाइड कैंडल को तोड़ रहा है तो मैं वहां पे बाई करना पसंद करूंगा। मान लीजिए इस तरह का 3-4 कैंडल बनाया उसके बाद तोड़ रहा है तो मैं वहां पे बाई करना पसंद करूंगा। मान लीजिए इस तरह का रेंज बना दिया, सेम लेवल पे रेंज बना दिया तो तोड़ रहा है तो मैं इस बार ट्रिपल क्वांटिटी पे बाई करना पसंद करूंगा, क्योंकि एक जगह के आसपास जाके रेंज बना के तोड़ना बहुत ही बेस्ट सिनेरियोज माना जाता है। देखिए मैं आपको सारे सिनेरियोज ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैं आप लोगों के साथ जो भी शेयर करता हूँ कि ये ऐसा ऐसा हो सके, ताकि क्या है ना आप अगर चार्ट पे वो चीज़ देखे तो आपका माइंड प्रिपेयर रहे कि हाँ ऐसा मैंने प्लान किया है। अगर अनप्लान कुछ आ जाता है वहीं पर गलती हो जाता है एक ट्रेडर के हिसाब से, कि वहाँ पे हम हड़बड़ी कर देते, क्या हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा, और हमारा माइंड बहुत शार्प चीज़ है, हमारा माइंड जब कोई चीज़ को पकड़ नहीं पाता है ना वो अपने आप एक कंफर्मेशन बायस करना क्रिएट कर देता है। मतलब अगर आप कोई सिचुएशन के लिए रेडी नहीं है, आप मान लीजिए ये वाला सिचुएशन के लिए रेडी है लेकिन मार्केट ने कर दिया ये, तो आप ऐसे कर देगा, जैसे ऐसे कर देगा आपका माइंड वहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा हाँ यहाँ पे एम पैटर्न आ रहा है लेकिन ये एम पैटर्न फॉल्स हो सकता है क्योंकि लास्ट पे ही सपोर्ट है, मतलब बहुत भयंकर फलाना ढमकाना चीजें, अखंड चीजें शुरू हो जाएगा। तो इससे बेटर है वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर एवरी पॉसिबल सिनेरियोज। हाँ एवरी तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ छूटेगा, जो छूटेगा तो छूटेगा, 10 दिन में 2 दिन छूटेगा, लेकिन 8 दिन हम रेडी रहेंगे उसके साथ साथ हम ट्रेड कर पाएंगे। ओके बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, अच्छा हाँ गैप अप का हम बात कर रहे थे तो कि रेंज या प्राइस एक्शन या फिर कोई इनसाइड कैंडल के बाद ऊपर तोड़ेगा तो वी आर गोइंग टू बाई। अच्छा इन केस अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होकर कोई शूटिंग स्टार मिल जाता है, शूटिंग स्टार के नीचे निकलेगा प्रॉफिट बुकिंग सेटअप के लिए एक बार गैप फिलिंग तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर बहुत नजदीक गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पे कुछ मत कीजिए, मतलब इसके और इसके बीच में होता है तो वो गैप अप नहीं मानेंगे, फ्लैट ही मानेंगे 50-60 पॉइंट इधर उधर, तो मार्केट को रिटेस्ट करके डे हाई या फिर ये सारे जोन को क्रॉस करने दीजिए तो फिर हम वहाँ पे एक बार बाइंग के लिए सोचेंगे।
ठीक है, इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी वाला सेटअप, कोई प्रॉफिट बुकिंग हैमर या फिर बुलिश कैंडल आएगा उसके ऊपर निकलेगा तो हम बाई करेंगे गैप फिलिंग का प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और इनकेस अगर डायरेक्टली 230 के नीचे आके क्लोज कर रहा है और उसके नीचे निकल रहा है तो हम शॉर्ट कर देंगे, पैनिक वाला सिनेरियो हो जाएगा। वरना अगर मिडिल में कुछ रह रहा है, कुछ भी कैंडल नहीं बन रहा है, तो हम कुछ दो तीन रेंज या फिर इनसाइड कैंडल का वेट करेंगे। ठीक है, होपफुली फ्लैट ही ओपन होगा या थोड़ा बहुत गैप ओपन होके मार्केट क्या कर सकता है, जैसे निफ्टी मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, थोड़ा सा इधर उधर रहने के बाद, हो सकता है ये एक ट्रेंड लाइन को बनाता हुआ ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो हम सारे पॉसिबल सिनेरियोस के लिए रेडी रहेंगे। अगर ऐसा कुछ कर देगा तो हम वहाँ पे शॉर्ट भी करने के लिए रेडी रह जाएंगे। तो सबके लिए आप रेडी रहिए, जस्ट बी रेडी, कुछ भी हो सकता है मार्केट पे। ठीक है, बस हम प्लान करके हमारे सेटअप के साथ, प्राइस एक्शन के साथ, एडवांस लेवल के साइकोलॉजी के साथ हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है इस तरह का दिनों में भी, जहाँ पे मेरा एनर्जी लेवल 10% रहता है कि आई कैन नॉट डिलीवर, लेकिन आप लोगों का जब सब्सक्रिप्शन आता है, जब व्यूज़ आता है, कमेंट्स आता है, तब एक अलग ही एनर्जी जनरेट होता है, पॉजिटिविटी। तो जस्ट स्टे विद द चैनल, स्टे ट्यून विद द चैनल, बहुत सारे चीज़ आप लोगों के लिए आने वाला है। स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग। नीचे इंस्टा और टेलीग्राम में जुड़ जाइए, अपना थोड़ा सा फॉलो सब्सक्राइब दिखा दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा हाउ आर यू गेटिंग बेटर इन ट्रेडिंग विथ माई ऑल वीडियोज। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।